प्रधानमंत्री मोदी की अपील से प्रभावित होकर मोहल्ला वासियों ने शुरू किया गरीबों के लिए भोजन वितरण। जी हां, देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 19 दिन के लिए यानी 3 मई तक सारे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में देश के नागरिकों से अपील की, हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास मोहल्ले में कोई भूखा ना सोए। मोदी की अपील का प्रभाव ऐसा हो रहा है कि सेवा कार्य कर रही समितियों की संख्या बढ़ने लगी है। ताजा उदाहरण नगर के वार्ड 13 के युवाओं का देखने को मिला। समिति के सदस्य देवेंद्र रघुवंशी ने बताया कि देश के नाम संबोधन में प्रधान सेवक की अपील से प्रेरणा लेकर मोहल्ले के युवा मोहित जैन, गोपाल आचार्य, शुभम शुक्ला, शुभम रघुवंशी, योगेश अग्रवाल, हेमराज कुशवा, शुभम रैकवार के साथ मिलकर मोहल्ले के समर्थ नागरिकों व आपस में कलेक्शन करके वार्ड 13 के गरीब नागरिकों को लगभग 500 पैकेट भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, जो कि लॉकडाउन समय अवधि पूर्ण होने तक निरंतर जारी रहेगा। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट।